तो ये रहा माता लक्ष्मी का प्रतिमा। आप देख सकते हैं माता रानी का प्रतिमा काफ़ी बेहतरीन और सजावट अच्छा खासा किया गया है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, पास से मैं आपको दिखाऊंगा तो देख सकते हैं। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। दोस्तों अभी हाँ आज का दिन दिवाली है और दिवाली के दिन हम लोग अपने बाज़ार में हैं, सब्जी मंडी में, और ये आकाश हैं और ये संतन जी हैं। तो संतन जी से पूछना चाहते हैं दिवाली के बारे में, कुछ कहिए संतन। नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सबको मालूम है आज दिवाली के शुभ अवसर पे हम लोग मनाते हैं श्री राम जी के घर वापस आने के अवसर पे, और यह अवसर और भी रोचक हो जाता है जब उन्होंने लंका को जीत लिया और अपनी अर्धांगिनी को वापस लाया, और इसके साथ साथ घर वापस आने की खुशी के साथ इस उत्सव को दिवाली के रूप में मनाया गया। और इस दिवाली को हम बहुत ही दिनों से हमारे देश में, भारत में मनाया जा रहा है, और इसका लाभ केवल भारतीय ही जान सकते हैं कि इसका लाभ क्या है। और इसका लाभ और जानने के लिए हमारे आगे के ब्लॉग्स को देखते रहिएगा, धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आपको संत जी बहुत ही बढ़िया बताए हैं, समझाए विस्तारित से कि दिवाली क्यों मनाया जाता है। और आकाश से पूछना चाहता है, आकाश जी आज कैसा महसूस हो रहा है, आज दिवाली है हमारा? बहुत अच्छा, बहुत दिनों बाद हम तो गांव में आए, आप लोगों को पता ही है क्योंकि टाइम रहता नहीं है, आए हैं कल सुबह ही जाना है। तो आकाश जी बहुत दिन बाद दिवाली में हैं, 2 साल से दिवाली में नहीं रह रहे हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आपको दिखाते हैं पूरा गांव का नज़ारा, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मधुबनी गाँव है जो कि काफ़ी बेहतरीन से सजावट किया गया है, चारों तरफ लाइट वगैरह लगाया गया है। ये देख सकते हो हर घर में मोमबत्ती, दिया, झालर, लाइट वगैरह, झूमर वगैरह सब कुछ लगाया गया है। तो रात का मौसम है, देख सकते हो गाइस कितना सुंदर लग रहा है, आज दीपावली का दिन है और काफ़ी बेहतरीन है। तो चलिए लक्ष्मी पूजा रखा गया है, तो चलिए हम वहाँ देखते हैं और माता रानी की प्रतिमा दिखाएंगे। और ये देख सकते तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, फाइनली हम उस जगह आ चुके हैं जहाँ पर माता रानी का प्रतिमा रखा गया है जो कि लक्ष्मी पूजा के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो चलिए पास से आपको दिखाते हैं रोड का। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये फ्लैट स्कूल है जो कि बहुत ही पुराना स्कूल है, जो कि भीमराव अंबेडकर के नाम से प्रसिद्ध है। यहीं पे यहाँ मूर्ति रखा जाता है जो कि लक्ष्मी पूजा के नाम से प्रसिद्ध है। तो चलिए पास से दिखाते हैं, ये संतन जी हैं और आकाश जी हैं, और पास से आपको दिखाता हूँ। आज पहला दिन है जो कि आज ही माता रानी का प्रतिमा खुला गया है, जो कि देख सकते हैं चारों तरफ से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, सजावट काफ़ी बेहतरीन किया गया है। तो चलिए और आगे चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं जहाँ पे माता रानी का प्रतिमा है, और ये देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया लाइट वगैरह लगाया गया है, और देख सकते हो गाइस चारों तरफ से मैं दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ से आप माता रानी का दर्शन कर सकते हैं, और ये माता रानी का यहाँ से देख सकते हैं प्रतिमा है, और काफ़ी बेहतरीन सजावट किया गया है। चारों तरफ से मैं आपको दिखाऊंगा, देख सकते हैं लाइट वगैरह बढ़िया लगाया गया है, और देख सकते हो गाइस ये देख सकते हैं। तो जो भी है यहाँ पर सब कुछ मैं आपको दिखा चुका हूँ, बाहर का कुछ नज़ारा दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ से टेंट वगैरह लगाए गए हैं, और देख सकते हो संतन जी काफ़ी ध्यान से देख रहे हैं। तो ये नज़ारा है,
तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यही तक था। वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।